जदि टेक्नोलॉजी के इस दौर में आज भी किताब को इंसान की बेहतरीन दोस्त कहा जाए तो गलत ना होगा क्योंकि बदलते वक्त के बावजूद किताब की अहमियत तो कम नहीं हो सकी ताहम किताब पढ़ने खसूस किताब खरीद कर पढ़ने वालों की तादाद जरूर कम हो रही है किताबों की अहमियत और कुतुबीनी के रुझान पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की मैनेजिंग डायरेक्टर और मुशनफ़ा अमीना सैयद को वेलकम टू द स्टूडियो अमीना जी जैसे कि हमने इस स्टोरी में भी बताया कि ये बच्ची तो पढ़ रही है लेकिन बाकी जो एक एवरेज बच्चा है वो इतनी किताबें नहीं पढ़ा वीडियो गेम्स हैं टेलीविजन है और इतनी अब तो वो अपने जो पैड्स होते हैं उस डिस्ट्रेक्शन बच्चे बिजी रहते हैं तो ये बहुत ट्रेंड कम नहीं होता जा रहा मेरे ख्याल में तो मारिया नहीं कम हो रहा क्योंकि बेशक ये सब चीजें हैं डिस्ट्रेक्शन हैं लेकिन मेरे ख्याल में हर दौर में कोई ना कोई डिस्ट्रेक्शन होते हैं पहले जब टीवी नया नया आया था, था तो लोगों ने कहा कि अब लोग किताब पढ़ना छोड़ देंगे लेकिन आप हैरी पॉटर की किताबें देखें कितनी तादाद में लाखों बल्कि मिलियंस की तादाद में वो बिकी हैं और फिल्म तो बाद में आई है लेकिन पहले जो किताबें इस क़दर बिकी हैं तो मेरे ख़्याल में अगर बच्चों के वो के दिलचस्पी की किताबें आए और कोई इस तरह उनका तारुफ करें बच्चों से किताबों का तो यकीनन वो पढ़ते हैं और शौक भी है उनको पढ़ने का पढ़ने का और मेरे ख़्याल में जैसे आपने देखा होगा हमारी कराची लिटरेचर फेस्टिवल उसमें एक बच्चे का बच्चों का भी हिस्सा था और किस कदर बच्चे आए थे किस कदर अपने नाना दादा नानी क्यों क्यों जी थे, जी बहुत जी क्यूट लग रहे थे वो। बिल्कुल और बल्कि एक बच्चे का तो उसकी अम्मी उसको वहां छोड़ गई थी बच्चों के सेक्शन में अच्छा और वो खुद चली गई दूसरे सेशन में तो पहले तो जब उसने देखा तो रोने लगा फिर जब वापस आई उसकी अम्मी उसको ले जा तो गोद में उठाया ले जाने लगी तो नहीं 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 मैं यहीं रहूंगा अच्छा तो वहां से उस जगह से जहां वो उनको कहानियां सुनाई जा रही थी वो हिलना नहीं, नहीं चाह रहा था यानी कि बच्चों को जिस तरह से इंगेज किया जाए बच्चे तवज्जो देते हैं आपने कहा कि तारुफ कराना बहुत जरूरी है बच्चों का इस तरह की चीज़ों से इस तरह के लिटरेचर फेस्टिवल से कौन सी उम्र में बच्चे को किताब पढ़ने की तरफ रागब कर देना चाहिए जितनी छोटी उम्र से शुरू करें बेहतर है या कोई लिमिट है इसकी कोई लिमिट नहीं है मैं तो कहती हूँ कि बच्चा गोद का बच्चा माँ की गोद में बैठ के अगर माँ किताबें पढ़े और जाहिर है उस वक्त तो बच्चे को पढ़ना नहीं आता लेकिन सिर्फ अगर वो माँ कहानियाँ सुनाए तो इतना बच्चे बच्चे को समझ में आ जाता है कि सफ़ा जब पलटते हैं तो कहानी आगे बढ़ती है तो वो समझिए किताब का एक और फिर वो ये भी एसोशिएट बच्चा या बच्ची करते हैं कि माँ की गोद में बैठे हैं तो इतना मज़ा आ रहा है और आ, मतलब ये लाड और मोहब्बत भी मिल रही है साथ साथ कहानी भी सुनाई जा रही है तो वो एक एसोसिएशन हो जाता है पढ़ने से और माँ की मोहब्बत से और कहानी से और तो इसको तो कहते हैं आ, जो बच्चों को पढ़ के सुनाते हैं फिर अगला स्टेज आता है गाइडेड रीडिंग जब बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ना आ जाता है तो माँ के हेल्प से या बाप के हेल्प से थोड़ा थोड़ा वो उनको गाइड करते हैं और फिर वो सोलो रीडिंग जब खुद पढ़ने लगते हैं तो अगर बिल्कुल शुरू से आ, ये कस्सा करें बच्चे को कहानी सुनाना तो समझिए कि फिर जब तक वो खुद पढ़ने लगता है बच्चा या बच्ची तो आदत जब तक पुख्ता हो जाता है जब भी हम किताब पढ़ते हैं तो एक दुनिया बुन लेते हैं ना उसके किरदारों को लेकर लेकिन बिल्कुल। जब वीडियो गेम और जब फिल्में बनती हैं तो जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है क्या उसको कुछ नुकसान पहुँचता है इससे मेरे ख्याल में पहुंचता है लिमिट हो जाती है कि वो एक पैसिव सी एक्टिविटी हो जाती है कि आप बैठे हैं आप देख रहे हैं लेकिन अब खुद पढ़ते हैं तो फिर वो आप उस किस्से में इन्वॉल्व हो जाते हैं बल्कि ये भी होता है कि आप खुद उस कहानी को अपनी तरफ से आ, या अपने तौर पे वो आ, सोचने लगते हैं कि अच्छा इसके एंडिंग ऐसे होगी या अगला इसका अगले सफ़े में ये होगा वो जो प्रडिक्शन जो करने लगते हैं ये भी एक बहुत अहम हिस्सा है लर्निंग का अच्छा हमारे यहाँ तो है कि उर्दू भी स... है बच्चे को अंग्रेजी भी सिखानी है तो दोनों किताबें साथ साथ इंट्रोड्यूस करानी चाहिए या पहले कौन सी जबान में पढ़ाना चाहिए ये थोड़ा सा साथ साथ लेके चलना पड़ता है मेरे ख्याल में मारी ज़बान में सिखाना चाहिए पहले शुरुआत यकीन मादरी जबान में करने चाहिए क्योंकि कम अज कम वो फमिलिटी तो है उस जबान से और आ, लेकिन आ, जो कहते हैं कि पाँच साल तक तो बच्चा मेरे ख्याल में कई ज़बानें सीख सीख सकते हैं बच्चे तो लेकिन हमेशा तालीम मेरे ख्याल में मादरी जबान में होनी चाहिए मैंने कहा कि बच्चों को मादरी तालीम में आ, मादरी जबान में तालीम देनी चाहिए और किताबें भी मादरी जबान में पहले पढ़नी चाहिए हमारे जमाने में हम पढ़ के बड़े हुए हैं टोट बटोट की कहानियाँ और इस तरह की नजमें अब वो हम देख रहे हैं कि इतना नज़र नहीं आ रही उस तरह की किताबें मार्केट में कि अपने बच्चों को अपने कल्चर से अपने लिटरेचर से रोशनास कराया जाए नहीं वैसे मारिया ऐसी लिखी जा रही हैं जारा मुमताज ने बहुत बच्चों के लिए नजमें लिखी हैं कहानियाँ लिखी हैं और बल्कि गाने भी लिखे हैं जो आजकल स्कूलों में बहुत मकबूल हैं हर इस्तेमाल हो रहे हैं mm -hmm. फहमीदा रियाज ने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी हैं और बल्कि शेख सादी और वो अतार की कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स वो उन बिल्कुल समझिए सिंपल लैंग्वेज में उर्दू में mm -hmm. बच्चों के लिए तैयार की हैं बहुत खूबसूरत उसमें तस्वीरें हैं आमरा आलम बहुत अच्छी कहानियाँ लिखती हैं बल्कि उड़न तशतरी एक उनने रिसाल निकाला है हर दो महीने बच्चों के लिए शाय होता है उसमें किस्से कहानियां नज़में भरी हुई हैं रुमाना हुसैन ने बहुत लिखी है तो अब माशाल्लाह बहुत हमारे अब अदीब आगे आ रहे हैं बच्चों के लिए लिख रहे हैं और बच्चों को जो किताबें पढ़ाई जाती हैं है। उसमें एक, एक किताब देख रही थी वो म्यूजिकल किताब होती है उसको खोलो तो अंदर म्यूजिक बचता है वो भी बच्चों को इंगेज करने के लिए काफी इंटरेस्टिंग है जी हाँ मेरे ख्याल में हर किस्म की किताबें होनी चाहिए लेकिन हमेशा प्रोएक्टिव होनी चाहिए जिसमें बच्चा कुछ करे या सुने बच्चा भी खुद अपनी एक्टिविटी करे तो यकीनन होनी चाहिए लेकिन हमारे जो बड़े बड़े जो राइटर्स हैं बल्कि रजा अली आब्दी साहब ने भी बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी है। हैं तो आजकल तो हम ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में हम बहुत तलाश में हैं, हैं। हम इस कस्म की ढूंढ रहे हैं अदब बच्चों के लिए ताकि हम उसको फिर से शाये करें और इस मौके पर वो जो आप कर... फेस्टिवल भी कर रहे हैं बच्चों के लिए खास तौर पे जी उसका जी भी जिक्र करना जरूरी है ताकि पेरेंट्स जो है लेकर जाए अपने बच्चों को जी हाँ बिल्कुल ये इक्कीस सौ बाईस को है आर्ट्स काउंसिल में कराची में और दो दिन समझिए लगातार हम बच्चों को एंटरटेन करेंगे उनको कहानियाँ सुनाएंगे उनको शोज दिखाएंगे पपिट शोज गाने सुनाएंगे सोलर सिस्टम किस तरह चलता है होता है उसके बारे में भी हम बताएंगे तो मकसद यही है कि बच्चों की दोस्ती हो किताबों से और मोहब्बत हो और ये समझिए हम ग्यारहवीं ही वो कर रहे हैं चिल्ड्रेंस लिटरेचर फेस्टिवल और ये एक ट्रैवलिंग फेस्टिवल है जो हम पूरे पाकिस्तान में करते हैं कोयटा में भी की है स्वात में पिशावर में और अब और अब कराची में से पहले एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि अब पेरेंट्स का ज्यादा फोकस ये है कि बच्चा अंग्रेजी सीख जाए उसको अंग्रेजी में पढ़ा लें तो क्या तजावीज आप देंगी कि यू नो बच्चों को एक तो उर्दू में किताबें पढ़ने का रुझान बेहतर हो और साथ साथ के ओवरऑल रीडिंग कल्चर जो है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़े असल में एक दफ़ा आदत पड़ जाए किताबें पढ़ने की किसी भी ज़बान में तो वो तो फिर अंग्रेज़ी में भी पढ़ने लगेंगे चूंकि अंग्रेज़ी में बेतहाशा किताबें हैं और देखिए सिर्फ निसाबी किताब से अंग्रेज़ी नहीं आती है वो जब कहानियाँ पढ़ेंगे कस्से पढ़ेंगे अंग्रेज़ी में तो वो भी आ जाएगी उनको तो बल्कि सिंधी भी सीख सकते हैं साथ साथ पश्तो भी सीख सकते। और जितनी ज्यादा जमाने हैं वो उतना बेहतर आईक्यू और इंटेलिजेंस होती है रिसर्च कहती है ये बात यकीन बहुत बहुत शुक्रिया मीना सईद साहब हमारे पास आए इतना वक्त निकाला और किताबों की फफादियत के बारे में हमारे देखने वालों को आगाह किया